आपको कोई मिलने का वास्ते आया? मैंने तुमसे कहा था ना मैं किसी से नहीं मिलूंगा। ये किसी में नहीं है सर, हमने इसको बुलाया और आपको मिलना पड़ेगा। अच्छा, आपका हुकुम सर आंखों पर मिस लिली। ओह दैट्स नाइस सर, कम इन प्लीज सर। आरती तुम? सर मैं। सर कहीं किसी की सेक्रेटरी तो नहीं बन गई? नो सर। फिर सर ये क्या लिबास पहन रखा है? ये तो मत भूलो कि तुम आनंद की वाइफ हो। मैं किसी की वाइफ नहीं हूँ। आनंद से झगड़ा हो गया क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ? मैं किसी आनंद को नहीं जानती सर, मैं डॉली हूँ, डॉली आपकी फैन। मुझे भी गाने और डांस का बहुत शौक है, मैंने आपके लिए गाना लिखा है सर, ये देखिए। तुम डॉली हो? यस सर। गोविंदा सुन, अरे आरती तू। लो माँ तुम भी धोखा खा गई ना, ये आरती नहीं है, ये डॉली है। अरे ये तो बिल्कुल आरती की तरह है, जरा इधर तो आ। क्या हुआ? तू अभी से जिंदगी भर संभाल कर रखना। क्या मतलब? तू कहता था ना अगर आरती के जैसी लड़की मिल गई तो शादी कर लेगा, आप मिल तो गई है, मैं पंडित जी से कहकर कल ही मोहरत निकलवाती हूँ। नहीं मामा तुम बहुत बोली, क्या बात करती हो? चुप। बेटी ये मेरा गोविंदा है ना, बड़ा ही नटखट है, तू इसका ख्याल रखना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मगर मेरी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या? यही कि मेरा मन गाने को कर रहा है। वो तुम्हारा पुराना गाना कहाँ है? मेरा मतलब कि तुम्हारा वो गाना कहाँ है? अभी तो आपको दिया था सर। अरे हाँ वो मेरे पास गड़बड़ हो गई, ये मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं हर चीज यहाँ वहाँ रखकर भूल जाता हूँ। ये प्यार का जादू। सोनू, सोनू क्या है मम्मी? मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना। हाँ मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं बेटा तू डैडी के साथ घर पे रह, तुझे जो चाहिए मैं ला दूंगी। मुझे जो चाहिए वो तुम ला दोगी? हाँ हाँ जरूर लाएगी, क्यों नहीं लाएगी? प्रॉमिस प्रॉमिस। मुझे एक भाई चाहिए। मम्मी अकेले खेलने में मजा नहीं आता, दोनों साथ खेले तो बहुत अच्छा लगता है। बोलो ना मम्मी मुझे एक भाई ला दोगी ना? डैडी मम्मी का ऑर्डर दो ना। बेटे इस मामले में तुम्हारी मम्मी मेरा ऑर्डर बिल्कुल नहीं मानती, कई बार एप्लीकेशन लेटर डाला लेकिन रिजेक्ट हो गया। खैर अब तो वादा किया तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्यों डाले? हेलो डॉली। गुड मॉर्निंग सर। लो फिर वही सर। आपके सिर में फिर दर्द हो गया सर? मेरे सिर में नहीं मेरे दिल में दर्द है, कल बड़ी बुरी हालत थी, रात भर ऐसा लग रहा था जैसे बिजली की कोई नंगी तार बार बार जिस्म को छू रही हो, रात भर झटके मारता रहा, नींद नहीं आई। क्या तुम बता सकती हो डॉली ऐसा क्यों होता है? वेरी सिंपल सर, यू आर इन लव। आर यू श्योर? यस सर, ये मोहब्बत का करंट एसी भी होता है और डीसी भी, एक सट के झटके मारता है दूसरा हट के झटके मारता है। रियली? बिलीव मी सर। बज गई घंटी, बज गई। हेलो हेलो मैं आनंद बोल रहा हूँ। हेलो हाय आनंद, मैं तुम्हें एक खबर देना चाहता हूँ। अरे तू तेरी न्यूज मुझे बाद में देना, पहले मैं तुझे गुड न्यूज देना चाहता हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ। हाँ और मेरी जो वो है ना वो मेरे सामने खड़ी है। क्या बताऊँ आनंद, जब से मुझे ये मिली है मुझे मेरी जिंदगी मिल गई है, मुझे मेरी जिंदगी की हर खुशी। हेलो हेलो हेलो, लगता है ये फोन किसी दिल जले ने बनाया है, जब भी खुशी की बात करो लाइन कट हो जाती है। एनीवे हमारी लाइन तो क्लियर है। सर आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तुम्हीं ने तो। सर इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे करना ठीक नहीं, पहले आप ये तो जान लीजिए मैं हूँ क्या।
आइए। इंसान को मरने के बाद जितनी जगह चाहिए उतनी ही जगह में मैं जिंदा हूं। मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है सिवाय भगवान के। आपने मेरे और मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जान लिया, क्या अब भी आप मुझसे शादी करेंगे? देखो, मैं तुमसे शादी करूं या तुम मुझसे शादी करो, बतवा इस दस्ते में। शादी आप जैसे अमीरों के लिए मजाक या खेल हो सकती है, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए शादी जिंदगी और मौत से बढ़कर है। इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। इसलिए कि तुम मुझे बहुत 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 पसंद हो। सच कहता हूँ, मुझे बहुत दिनों से एक ऐसे दिल की तलाश थी जो एक छोटे से घर की तरह हो, जिसमें सिर्फ एक आदमी अंदर जाए और उस दिल का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। मुझे वो रईस जादिया पसंद नहीं है जिनके दिल के दरवाजे किसी 5-स्टार होटल की तरह 2400 घंटे हर आदमी के लिए खुले रहते हो। आपको गरीबी से इतना प्यार क्यों है? क्योंकि मेरी गरीबी ही मेरी अमीरी की माँ है। जिस तरह मैंने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है, उसी तरह मेरी अमीरी ने भी मेरी गरीबी की कोख से जन्म लिया है। सुना है सच्ची बात कड़वी लगती है, लेकिन न जाने क्यों मुझे आपकी सच्ची बात मीठी लग रही है। सोनू, छोड़ो। सोनू कहाँ है? सोनू आराम कर रही है। तोड़ा उसको और कहोगे उसके। अरे वो तो आराम कर रही है, मगर तू क्यों मुलट का बैठा है? आरती भाभी से झगड़ा हो गया क्या? हाँ भाभी का भाभी। गोविंदा, आरती हमें छोड़कर चली गई। चली गई? ऐसा क्या कह दिया तूने उसको जो वो घर छोड़कर चली गई? घर नहीं, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। I'm sorry आनंद, मगर ये सब हुआ कैसे? आरती और सोनू शॉपिंग करके आ रहे थे कि रास्ते में मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अरे आनंद, कम से कम मुझे तो बुलाना चाहिए था, एक एक फोन कर सकता था तू। फोन तो किया था मैंने, लेकिन तेरी खुशियों को मनहूस नहीं करना चाहता था मैं। तेरे मुंह से तेरी शादी की बात सुनकर मौत की खबर नहीं दे सका, जबकि उस वक्त मुझे तेरे कांधे की सख्त जरूरत थी। सोनू तो ठीक है ना? हाँ, एक्सीडेंट के बाद 2 दिन बेहोश रही, डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है। उसे किसी ने बताया कि भाभी? नहीं, उसे सिर्फ यह मालूम है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। डॉक्टर कहता है जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती हम उसे कुछ बता नहीं सकते, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। आखिर कब तक झूठ बोलता रहूंगा मैं, कब तक? अंकल। सोनू बेटे। अंकल, डैडी मुझे मम्मी के पास नहीं ले जाते, आप मुझे मम्मी के पास ले चलिए ना। सोनू, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा ना? नहीं, मुझे आराम नहीं करना, मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल बोलो ना, आप मुझे मम्मी के पास ले चलेंगे ना? मम्मी? हाँ बेटे। तो फिर चलो ना अंकल। सोनू अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, चलो। नहीं नहीं, मैं कमरे में नहीं जाऊंगी, मुझे मम्मी के पास जाना है। अच्छा तो हम एक काम करते बेटा, तुम्हें तुम्हारे मम्मी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मम्मी को ही तुम्हारे पास ले आएंगे। सच्ची अंकल? हाँ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, दवाई खाओ और सो जाओ, शाम तक तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास होगी। जाओ। थैंक यू अंकल। गोविंदा,
ये तुमने क्या कह दिया इसे? तुम सोनू का ख्याल रखो, मैं शाम तक आता हूं। लो बेटे दवाई पियो। शाबाश। डैडी गोविंद अंकल नहीं आए अभी तक? डैडी आप मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाते मम्मी के पास? मम्मी की तबीयत ठीक तो है ना डैडी? हाँ बेटे एकदम ठीक है तुम्हारी मम्मी। गोविंद अंकल आप मम्मी को नहीं ले साथ में? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम वादा करें और निभाए नहीं। ये रही तुम्हारी मम्मी। मम्मी मम्मी वहां क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ। मम्मी तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं बेटे, तुम कैसी हो? अब तुम आ गई हो ना, अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं उसे यहां नहीं रख सकता। क्यों, क्या इस घर में थोड़ी सी भी जगह नहीं उसके लिए? बात जगह की नहीं, बात रिश्ते की है। वो यहाँ पे सोनू की माँ बनकर रह सकती है, लेकिन लोग उसे मेरी बीवी भी तो समझ सकते हैं। इस जगह पर तुम नए हो, और फिर बहुत सारे लोग यहाँ जानते भी नहीं है कि तुम्हारी बीवी कैसी थी, कौन थी, और फिर वो कौन सा यहाँ पर सिंदूर का संबंध निभाने आई है। मम्मी तुमने सिंदूर नहीं लगाया? सोच क्या रही हो मम्मी, डैडी देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, जाओ जल्दी से लगा लो। लाओ मम्मी मैं लगा देती हूँ। लेकिन तुम्हें ये लड़की मिली कैसे? काम मांगने आई थी मेरे पास। लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कैसी बात करता है यार, आज तक मैंने तुझसे कुछ छुपाया है? नहीं छुपाया तो नहीं, लेकिन याद है तुमने एक बार कहा था कि अगर तुम किसी लड़की से शादी करोगे तो सिर्फ आरती जैसी, कहीं ये वो तो नहीं? अरे वो तो मैंने यूं ही आरती भाभी को खुश करने के लिए कह दिया था। तो फिर तुम्हारा उसे रिश्ता क्या है? वही जो एक नौकरी मांगने वाले और नौकरी देने वाले के बीच होता है। मैंने सोचा सोनू को मां मिल जाएगी और इस बेचारी को नौकरी। ये समझदार और अच्छी लड़की है। सवाल अच्छे और बुरे का नहीं है, सवाल है आरती की यादों का। क्या कहेगी उसकी आत्मा मुझसे? यही ना कि मेरी चिता की आग बुझी भी नहीं, कि मैंने उसी की राख से दूसरा पुतला खड़ा कर दिया है, कि मैं थोड़े से दिन इंतजार भी ना कर सका। कितना दुख पहुंचेगा उसे, कितना दुख। नहीं आनंद, इससे उसकी आत्मा को दुख नहीं होगा बल्कि शांति मिलेगी। क्या तुमने उसके बिना भी उसकी लाडली को कभी मां की कमी का एहसास नहीं होने दिया? ये ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके यहां रहने से कई तरह की उलझने पैदा हो जाएंगी? उलझने पैदा होंगी, लेकिन क्या हम अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए सोनू की जिंदगी का ख्याल नहीं करेंगे? उसके पांव के ठीक होने की जो उम्मीद पैदा हुई है, क्या हम उस उम्मीद को खत्म कर डालें? क्या तू ये चाहता है आनंद कि सोनू जब बड़ी होकर दुल्हन बने तो बैसाखी के सारे साथ फेरे ले? नहीं नहीं नहीं। डैडी अपने आप को संभाल आनंद, अपने आप को संभाल, वो दोनों आ रहे, चल। अरे वाह, मेरी बच्ची स्कूल जाने के लिए तैयार भी होगी। मैंने आपसे कहा था ना जब मम्मी आ जाएंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और अब हमारे सोनू थोड़े दिनों में अपने पांव पर भागने लगेगी, क्यों सोनू? जब मेरा पांव ठीक हो जाएगा तो जानते हैं सबसे पहले मैं क्या करूंगी? क्या करोगी? आपके साथ डांस करूंगी। अरे बाप रे, मैं वादा करता हूँ वो दिन बहुत जल्द आएगा। अंकल अब जल्दी चलो ना, मुझे स्कूल छोड़ दो, मैं पहले से बहुत लेट हो गई हूँ। अरे हाँ तुम तो लेट हो गई हो, चलो अपने मम्मी पापा को जल्दी से पप्पी कर दो फिर चलते हैं। चलो। पहले आंखें बंद करो, मैं
एक दो तीन गिनूंगी। तुम दोनों में से जो भी लेट हो गया उसे एक दूसरे को पप्पी देनी होगी। एक दो तीन। मजा आ गया। चलो सुनो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ। चलो। नहीं, मैं गोविंदा अंकल के साथ ही जाऊंगी। बच्चे जिद नहीं करते। चलो, बहुत हो गया। चलो। बाय मम्मी, बाय अंकल। देखिए ना क्या हुआ। क्या हुआ? वो तो एक मामूली बात थी। तुम्हें जलन नहीं हुई? जलन? कैसी जलन? वो तो महज एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक से भी अपनी महबूबा के साथ ऐसा हो जाए तो आदमी की जान जल उठती है। मैं जानती हूँ बर्दाश्त तुमसे भी नहीं हुआ, इसलिए तुमने अपना मुंह पलट लिया था। कबाब सीख है हम, करवटे हर सू बदलते हैं। जल उठता है जब ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। आदाब। बस ऐसे पहलू बदलते रहना और जलते रहना। अगर मेरे जलने से सोनू की जिंदगी में उजाला होता है तो मैं जलने के लिए तैयार हूं। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। साथ दोगी ना? अगर मुझे तुम्हारा साथ ना देना होता तो मैं इस घर में आती ही क्यों? लेकिन मैं यहां मां बनकर आई हूं, बीवी बनकर नहीं। कुछ दिनों के लिए सोनू को दिल से अपने ममता के आंचल में छुपा लो, बस कुछ दिनों के लिए। फिर उसके बाद मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा।